यदि गुणवत्ता होता तो गाड़ी बबलिंग नहीं करती। जहाँ थर्ड पार्टी यानी झारखंड सरकार का कोई विभाग से नहीं, कोई बाहर की एजेंसी, कोई सेंट्रल एजेंसी CPWD है, बहुत सी एजेंसी है, उससे बरसात करा अभी भी नीचे की सड़क पूरी नहीं हुई। मैंने एक विधानसभा में भी उठाया था, ये पैसा इन लोगों ने मिलकर गोलमाल कर लिया, तो एक लेयर वाला पैसा तो इन लोगों ने खा गया। भाई अब हम मामले उठाते हैं कि भाई अपने युवाओं के साथ ठगा। सीपी सिंह जिंदगी में यही सीखा है कि वादा करता है उसको पूरा करता है। वो रिटायर्ड हुए हैं, टायर्ड नहीं हुए हैं। जो भाजपा परिवार है ना, उसी के अंदर के वैसे लोग जो विधायक बनने का सपना संजो रहे हैं, क्षुद्र राजनीति इसको करता है। इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि दूसरे के बारे में गलत प्रचार करना, इसे मैं क्षुद्र राजनीति बोलता हूँ। मैं आजकल तो कई घाट के पानी पी के लोग आते हैं, अब मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इसमें पीछे हो जा रहे हैं। आजकल संख्या आया राम गया राम का ही ज्यादा चल रहा है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं, हेमंत सरकार की योजना जो है मैया सम्मान योजना, क्या उसकी लोकप्रियता के कारण दबाव में तो नहीं ली जा रही है? ऐसी बात नहीं है, देखिए। नमस्कार जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। समृद्ध झारखंड के सियासतनामा में आज हमारे साथ हैं 1996 से रांची विधानसभा सीट पर लगातार जीत दर्ज करते रहे और विभिन्न भाजपा के सरकारों में विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेवारी संभालते रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे श्री सीपी सिंह जी 6 बार। सीपी सिंह जी के नाम एक रिकॉर्ड है कि 6 बार वह लगातार रांची विधानसभा से जीत दर्ज कर चुके हैं। तो आपका बहुत स्वागत सर हमारे स्टूडियो में। सर, कल मैं आपका सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा, हेमंत सोरेन का अपनी पत्नी के साथ काटाटोली फ्लाईओवर पर ड्राइव करना, आपको रास नहीं आया क्या सर? नहीं, देखिए, जहाँ तक हेमंत सोरेन जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और कल्पना सोरेन जी उनकी धर्मपत्नी भी हैं और गांडे से विधायक भी हैं, ड्राइव करना अच्छी बात है। स्वाभाविक रूप से जब उद्घाटन करने गए तो उन्होंने ड्राइव किया या नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जहाँ सभा थी उस कार्यक्रम में था, जहाँ पर पूजा हुआ वहाँ में नहीं था, ड्राइव कर रहे थे उस समय नहीं था। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि जो ऊपर बनाया गया है वहाँ बबलिंग कर रहा गाड़ी है। अब ये तो खुद अच्छे ड्राइवर हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अब उनको पता चला या नहीं चला, काम रंग पेंट कर देने से आप बेहतर नहीं बना सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि वो काम जो हुआ है उस काम को गुणवत्ता को देखना पड़ेगा। यदि गुणवत्ता होता तो गाड़ी बबलिंग नहीं करती। सवाल ये है कि मुझे तो अवसर नहीं मिला वहाँ बोलने का, लेकिन ये तो शुरुआत हमारे रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ, मैं मंत्री था उस नगर विकास मंत्री, और पिलर भी उठे, जो पाइपलाइन था सबसे बड़ा वहाँ काम, पाइपलाइन जो पहले पुराना वाला उसको शिफ्ट करना हो तो एक बार में पता चला कि पाइपलाइन है तो उसको शिफ्ट कर दिया। बाद में फिर पता चला जब PhD के अधिकारियों को भी नहीं मालूम था, और नहीं मालूम इसलिए था कि भाई नए अधिकारी कोई आएंगे, एक किसी जमाने में लगा होगा, फिर उस पाइपलाइन को शिफ्ट करना पड़ा,
तो समय लगा, कुछ पिलर बनाया भी था, बाद में हमारी सरकार चली गई और उसके बाद इन्होंने फिर इसका टेंडर करके इस काम को कराया है। उस समय हमारे पुतले भी जले, स्वाभाविक है कि जब किसी का घर जमीन अधिग्रहण होगा तो होता है तो भाई उनको तकलीफ होता है, एकदम स्वाभाविक चीज हर व्यक्ति को हो। तो उसके चलते फिर मुआवजा वाला हम लोगों ने काम कराया, सारी चीज़ें हुई, यानी उनको हम लोगों ने सजा कर दे दिया काम करने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, डिमांड है मेरा आपके माध्यम से कि थर्ड पार्टी इसकी जांच करा ली जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, गुणवत्ता की, गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी यानी झारखंड सरकार का कोई विभाग से नहीं, कोई बाहर की एजेंसी, कोई सेंट्रल एजेंसी, सीपीडब्ल्यूडी है, बहुत सी एजेंसियां हैं, उनसे एक बार जांच करा लें। भाई अच्छा बना है तो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन खराब बना है तब तो कल कभी कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या सुधार किया जा सकता है, करना चाहिए। मैं तो भाई बधाई भी देता हूँ कि भाई चलिए उनके समय में ही हुआ पूरा, तो बधाई के तो पात्र हैं। नहीं, मैं आपका सोशल मीडिया पेज देख रहा था, आपने बधाई उद्घाटन पे कहा है कि जो काम काज हुआ है ये रघुवर दास के जमाने में हुआ है। बिल्कुल, शुरुआत तो मैंने कहा ना कि उसमें पिलर वगैरह भी, पर ये तो अमूमन होता है सर राजनीति में, एक सरकार आती है उसे उद्घाटन करती, शिलान्यास करती है, दूसरी सरकार आती है उद्घाटन करती है। वैसे हमारे पीएम मोदी कहते हैं कि जिसका मैं उद्घाटन करता हूँ उसका मैं शिलान्यास करता हूँ, उसका उद्घाटन भी करता हूँ। पर रघुवर दास जी के मामले में ये हुआ कि उन्होंने किया, और मामले में ये नहीं हुआ, ऐसा है ना, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के पहले कोई बैठा हुआ रहेगा। जी जी, मान लीजिए एक महीना पहले कोई योजना को लाया गया, एक महीना में कोई जादू की छड़ी से तो होता नहीं, नहीं होता है, सही बात है। तो अब एक महीना उस समय नहीं हो पाया, दूसरी सरकार आएगी करेगी। मैं तो बधाई इसलिए देता हूँ कि कम से कम रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और उनका विजन था, मैं मंत्री था, तो जो शुरुआत किया उसको हेमंत सोरेन जी ने पूरा किया, इसके लिए विधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अभी चूँकि क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, मैं काटा टोली से टुआर चुटिया जा रहा था, अभी भी नीचे की सड़क पूरी नहीं बनी, मैंने एक विधानसभा में भी उठाया था, ये पैसा इन लोगों ने मिलकर गोलमाल कर लिया। चूँकि क्या है कि जब काम चलता है तो जो चीज़ें सड़कें खराब होती है ये मेंटेन करना ठेकेदार का काम, मेंटेन नहीं किया, उबड़ खाबड़ गड्ढा हो गया, उसी पर लोग चलता रहा, तो एक लेयर वाला पैसा तो इन लोगों ने खा गया। और अभी भी नीचे की सड़कें ठीक नहीं बनी है, मैंने उसका कालीकरण ही नहीं हुआ है, मैं अपनी आंखों से देखा है। तो भाई अभी बोले तो बोले किसको? एक सवाल जहन में आता है सर, हेमंत सोरेन के साथ आपकी ट्यूनिंग, सीएम हेमंत सोरेन के साथ आपकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी मानी जाती थी, क्या एक बार हम लोग यह भी देखा है कि आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, हेमंत सोरेन आपको अपनी गाड़ी पर बैठा के खुद ड्राइव करते हुए ले जा रहे हैं? इसके कारण विपक्ष के नेताओं में ईर्ष्या भी होती थी कि भाई, मतलब कहने का मतलब है कि विपक्ष में जितना सम्मान हेमंत सोरेन ने आपको दिया शायद विपक्ष के किसी नेता को नहीं मिला। देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूँ, चाहे गुरु जी हैं, तो जब मैं स्पीकर था, जी जी, तो गुरु जी सीएम हुआ करते, हाँ सीएम हुआ करते थे, उस समय हेमंत सोरेन नहीं थे, तो भाई हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है ये तो मानिए ना मानिए, हाँ है तो सीएम तो है, तो भाई एक सीएम के नाते और मुझे जब सम्मान देते हैं मैं भी उनको सम्मान देता हूँ। भाई कहा गया ना, कटसी बिगेट्स कटसी, कटसी वो हमको सम्मान देते हैं तो मैं भी सम्मान देता हूँ, लेकिन जब बात आएगी सार्वजनिक विषयों की, पार्टी की बात आएगी, जब विचारधारा की, तो भाई वहाँ हमारी कोई समानता नहीं है, उनके उनके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है, अपनी अपनी
दल है दलीय प्रतिबद्धता, और दलीय प्रतिबद्धता के कारण ही नहीं कुछ चीजें ऐसी होती है कि दल से ऊपर उठकर भी मैं काम करता हूँ। मेरा ये कहना है कि भाई आप यदि गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हम उसका तो विरोध करेंगे ना। जी, जी, जी। भाई अब हम मामले उठाते हैं कि भाई आपने युवाओं के साथ ठगने का काम किया है। हाँ, जो बेरोजगारी बताती है नौकरी के सवाल था। आप जो है वादा करते हैं उसको पूरा कीजिए। सीपी सिंह जिंदगी में यही सीखा है कि वादा करता है उसको पूरा करता है, अन्यथा मैं बोल देता हूँ कि भाई ये संभव नहीं है जी। और जो संभव है वो करके मैं दिखाता हूँ। सर एक सवाल और है सर मेरे जहन में, आप 69 के करीबन हो चुके हैं, आज भी हम जैसे युवाओं की तुलना में आपकी जो चुस्ती दुस्ती है बड़ा अनुकरणीय है, आपका जो लाइफ स्टाइल है आज भी इस उम्र में भी अपना पूरे को मेंटेन करे किए हुए हैं, तो क्या हम मान के चलें कि अगले 10 वर्षों तक रांची की जनता आपकी सेवा इसी प्रकार ग्रहण करती रहेगी, भगवान आपको दीर्घायु बनाए। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, अभी मैं 69 का हुआ नहीं हूं, 69 में चल रहा। 16 जनवरी 2025 जब आएगा तब मैं 69 का हो जाऊंगा। हाँ। तो बात ऐसा है जी कि आप यदि जनता की सेवा में लगे रहेंगे ना तो आपको स्फूर्ति मिलती है। आप मैं बहुत लोग मिलते हैं जो रिटायर्ड पर्सन जी, 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 तो मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या कर रहे हो, तो कोई बोलता है कि मैं ये कर रहा हूँ, कोई बोलता है घर में है, तो मैं बोलता हूँ कि घर में मत रहिए, आप कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रहिए, काम कीजिएगा तो आपको रिटायर्ड हुए हैं टायर्ड नहीं हुए। तो मेरा ये कहना है कि हम तो आज 50 साल से पार्टी का काम कर नहीं, नहीं हम लोग तो, जैसे लोगों के पत्रकारिता ही आपके साथ कर रहे, तो लगातार मैं काम कर रहा हूँ अभी सुबह से, मैं क्योंकि आचार संहिता लगेगा इसलिए शिलान्यास उद्घाटन मैं करके तब यहाँ पहुँचा। जी, जी जी जी। फिर यहाँ से निकलूँगा, खाना खाऊँगा, खाना खाने के बाद फिर निकल जाऊँगा। तो मेरा कहना है कि भाई हम लोग सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, और जिस दिन काम नहीं होता शायद ऐसा संयोग मुझे मन नहीं लगता, क्योंकि हमें जनता के बीच रहने का आदत पड़ गया है, शौक भी है, इसलिए चुस्ती फुर्ती रहता है। बहुत लोग तो कार्यकर्ता लोग बोलते हैं भैया आप इतना तेज कैसे चलते हैं। जी 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 जी। अरे भैया तेज एक दिन में थोड़े चलना शुरू हुआ है भाई, इतना दिन से नहीं, यही तो अनुकरणीय है कि इस उम्र में भी इस तरह से आप चुस्त, कि हम लोग का भी ईर्ष्या होती है। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए हर व्यक्ति यदि चाहे तो अपने को मेंटेन कर सकता है। नहीं, यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था कि भाजपा के अंदर कभी कभी 60-75 वगैरह के कुछ मामले आते हैं, हालांकि अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के मामले में स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई संविधान के अंदर कोई ऐसी बाध्यता नहीं है पार्टी संविधान के अंदर, सवाल चुस्ती दुरुस्ती का है, चुस्त रहने का। ऐसा है ना, देखिए मैं बहुत खुल के बोलता हूँ और ये चीजें बाहर के लोगों ने नहीं बल्कि परिवार, माने जो भाजपा परिवार है ना उसी के अंदर के वैसे लोग जो विधायक बनने का सपना संजो रहे हैं वही लोग प्रचार प्रसार करता है। ये पार्टी का इंटरनल के इंटरनल मैटर है। देखिए भैया आज के जमाने में देखिए क्या है ना, हर व्यक्ति एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर जाना चाहता है। सही, राजनीति में ये सब चलेगा। वो कोई बोलेगा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तभी एक जगह मैं बैठा था शिलान्यास करने के बाद तो बात चल रही थी, मैंने कहा कि भाई 2015 में जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद से मुझे एक दिन कोई बोल दे मैं बीमार पड़ा जी। अब ऐसे मनुष्य का शरीर है, कोई भी बीमार हो सकता नहीं, है। जवान लोग हम लोग बीमार पड़ते हैं। नहीं नहीं, कोई गारंटी तो नहीं दे सकता है कि बीमार नहीं पड़ेगा। मेरा लेकिन कहना है कि ये क्षुद्र राजनीति इसको मैं कहता हूँ, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि दूसरे के बारे में गलत प्रचार करना, इसे मैं क्षुद्र राजनीति बोलता हूँ। राजनीति का अर्थ यह है
कि एक मानक के तहत आप काम कीजिए, आप अपने बारे में अच्छाई बोलिए, दूसरे के बारे में जो ये सब बोलते जी जी एक बड़ी लकीर खींचिए आप भाई। ऐसे भी कहा गया है ना, लोग मानता कहा गया है कि इसी पर उंगली उठाते हो तो आपका वो हाथ जो है ना शुद्ध होना चाहिए, कहने मतलब आपको शुद्ध होना चाहिए। आप भाई आप किसी को कहिएगा कि बैगन नहीं खाना चाहिए जी, खुद बैगन खा रहे हैं तो नहीं चलेगा ना जी जी जी। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति में इतना नीचे स्तर पर नहीं नहीं जाना। सर एक सवाल और आ गई जहन में, आपने चूंकि एक लंबा दौर देखा है राजनीति का, 50 वर्षों 60 वर्षों का, ये सवाल मैं किसी और से नहीं कर सकता, झारखंड की सियासत में उन इंद्र सिंह नामधारी और आप उन चंद चेहरों में हैं, पक्ष या विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, पूरी सियासत में कि आप लोगों का, आपका और इंद्र सिंह नामधारी जी का कोई समकक्ष अब नहीं रहा, या शिबू सोरेन जी। देखिए नामधारी जी का जहाँ तक सवाल है तो माननीय नामधारी जी विद्वान जी जी थे, एक अच्छे स्पीकर भी जी थे, जी जी जी, उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं जी जी जी, तो उनका जो सोच है उसकी तुलना मैं स्वयं नहीं कर सकता, मैं इतना ही मानता हूँ। मैं यह जानना चाह रहा था कि तब की जो भाजपा थी 50 वर्षों में, एक भाजपा को आपने बदलते संवरते और देखा है, आज की भाजपा में कोई अंतर आता है, नजर आ रहा है क्या कुछ करेक्टर में उसका? देखिए भाजपा एक बड़ा परिवार है जी 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 जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। एक जमाना था जब हम लोग भाजपा में के पहले जनसंघ में थे जी जी जी, तो उस पीरियड में संख्या कम थी, लोग कम थे। सर आपने जो पहला चुनाव लड़ा था वो भाजपा के पे या जनसंघ पर? नहीं मैं 96 में भाजपा, भाजपा के हैं उसका पहले जनसंघ का कार्यकर्ता थे। मैं जनसंघ का कार्यकर्ता जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था 69 में जी जी जी, तब से मैं बूथ का कार्यकर्ता जी 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 जी। फिर उसके बाद कॉलेज में गए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकाल में मैं इमरजेंसी में छात्र आंदोलन के कारण जेल में चले गया, फिर जेल से निकला, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम करने लगा, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा 80 में जब भाजपा का गठन हुआ मुंबई में अधिवेशन था मैं वहाँ भी गया, तो लगातार एक कर रहा तो मुझे संतुष्टि है इस बात का कि मैं अपना जीवन संघ के स्वयं सेवक के रूप में प्रारंभ किया 68 में संघ का शाखा में जाना जी जी जी, फिर लगातार एक संघ विचार परिवार जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी संघ विचार परिवार का ही एक अंग है, वहाँ से करते हुए और आया हूँ मैं, कभी दाएं बाएं नहीं झांका। नहीं आपका तो जल के प्रति प्रतिबद्धता अटूट रही है, संगत रही है ना, आजकल तो कई घाट के पानी पी के लोग आते हैं, ये तो आजकल के राजनेताओं के लिए एक मिसाल है आप। तो बात ऐसा है ना, अब मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इसमें पीछे हो जा रहे हैं, आजकल संख्या आया राम गया राम का ही ज्यादा चल रहा है, तो हम लोग जैसे लोग जो है ना जो समर्पित हो करके हर कीमत पर कुर्बानी दे करके गिने चुने लोग मिलेंगे, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। सर कल भाजपा की ओर से पंच प्रण की घोषणा की गई है, उसमें जो महिलाओं को 500 रुपये पे सिलेंडर, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता और गोगो योजना के तहत, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 21 रुपया महीना देने की बात की गई है, तो ये सारी जो योजनाएं हैं हेमंत सरकार की योजना जो है मैया सम्मान योजना, क्या उसकी लोकप्रियता के कारण दबाव में तो नहीं ली जा रही है? ऐसी बात नहीं है, देखिए हमारी सरकार तो छत्तीसगढ़ में भी है जी, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में भी है, अब उड़ीसा में भी बन गई है, महाराष्ट्र में भी है, तो वहाँ भी ये सब चीज़ें लागू की गई जी जी जी, तो उनकी योजना से कोई लेना देना है। हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी घर की महिला, एक घर में यदि 10 है तो 10 का भी नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था सर, इसका एक कारण और भी था कि अभी भी जम्मू कश्मीर चुनाव हुआ तो भाजपा की ओर से कहा गया कि ईद पे 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। अब देखिए मैं जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं जानता, चूँकि भैया उतना बड़ा मैं नेता नहीं हूँ, मैं अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता समझता हूँ, यही तो आपका बड़प्पन है सर। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई हमारे यहाँ ये आम जनता को
कैसे सुविधा हो जी, इसके लिए व्यवस्था है कि भाई गोगो दीदी योजना में 2100 रुपया प्रत्येक मंथ, नहीं उसका तो फार्म भी भरा रहा है, 2 दिन समय दिया गया है, कार्यकर्ता उस कार्य में लगे हुए हैं, महिलाओं में बहुत, मैं जहाँ जहाँ भी गया फार्म घट गया है, फिर मैंने बोल के आया हूँ कि भैया फार्म ले जाके दो, एक घर भी नहीं छूटे। तो क्या आपको लगता है कि मैया सम्मान योजना का मुकाबला गोगो सम्मान योजना कर लेगा? उससे हमारा प्रतिद्वंदता कहाँ है? मैया सम्मान योजना से मेरा कोई मुकाबला है क्या? भाई मैया सम्मान योजना झारखंड की सरकार चला रही है जी। ये कब शुरू की? जब अंतिम दौर, अंतिम दौर है चुनाव की, तो भैया अब चुनाव होने जा रहा है, तो हमारे पंच प्रण जो है ये हमारे घोषणा पत्र में रहेंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है जी, ये मोदी की गारंटी है। तो भाई भाई पूरे देश के अंदर तो एक ही मोदी है ना, लेकिन मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में हम सब लोग हैं, तो उनकी गारंटी है, यानी उनका गारंटी को लागू करना हम सबों का दायित्व है। सर अभी आपके पास बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा जी, चंपाई सोरेन जी, कई एक्स सीएम है, जनता के मन में यह सवाल है कि यदि भाजपा जीतती है, चुनाव जीतती है, तो झारखंड का सीएम चेहरा कौन होगा? देखिए हमारे बड़े नेता केंद्रीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमल फूल पर चुनाव लड़ेगी जी जी, और जब चुनाव में विजयी होंगे, विजयी होंगे इसमें कोई डाउट नहीं जी, है जी। तब भारतीय जनता पार्टी चेहरा तय करेगी जी। भाई देखिए एक बात तो आप हमेशा याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन चेहरा उस समय होगा ये कहना बड़ा मुश्किल, अकल्पनीय है, क्योंकि आप देखें ये जो तमाम चेहरे हैं इसके सिवा भी कोई तीसरा या चौथा चेहरा सामने, ये तो मैं नहीं जानता। भाई देखिए अभी बाबूलाल मरांडी जी हमारे प्रदेश सदस्य हैं जी, स्वाभाविक रूप से सबके मन के अंदर एक भाव होगा कि जब ऐसी स्थिति होगी तो वही बनेंगे जी जी, लेकिन चुनाव हम जो लड़ रहे हैं तो सामूहिक सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई किसी से कम नहीं है। भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो यही खासियत है ना जी जी, कि कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, कार्यकर्ता सब हैं। एक दायित्व तो दिया जाता है कि भाई कोई प्रदेश अध्यक्ष है, बाबूलाल मरांडी एक अनुभवी नेता है, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तो मैं कहूँगा कि अभी उनको अध्यक्ष बना के एक कमान सौंपी गई जी, है जी जी, तो तमाम वैसे लोग होंगे जब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी जी जी। अब ये तय करना मेरा काम तो है नहीं, हम लोग को तो आदेश का पालन करना है जी जी। अब केंद्रीय नेतृत्व क्या तय करती है उनका फैसला, जैसा आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा, कुछ सोच सकता था राजस्थान में, तो उसी प्रकार से उड़ीसा में जी जी, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में हाँ अप्रत्याशित फैसले हुए, इसलिए पार्टी बहुत सोच विचार, वो अपना जो दुर्गामी लक्ष्य के उसके हिसाब से करती है, उसके निर्णय लेती है। सर 50-60 वर्षों का जो आपका जीवन रहा, सार्वजनिक जीवन बेदाग रहा जी, कोई बड़ा दाग, छोटा दाग बताइए आप, नहीं वर्ड आपने बड़ा दाग, नहीं नहीं तो इसका मतलब छोटा, मैंने ये कहना चाह रहा था कि विपक्ष की ओर से अक्सर कुछ न कुछ जो तथ्यहीन बातें को उसको छोड़ दिया जाए, मैंने आपका पूरी छवि एक सार्वजनिक जीवन में 6 दशक का निष्कलंक रहा, आज का आज आपके सामने आपकी ही पार्टी में मधु कोड़ा जी हैं, एनएस एका को लाने की बात हो रही है, हरि नारायण राय को लाने की बात हो रही है, तो क्या इसके कारण आपको कुछ असहज स्थिति का भी सामना करना पड़ता है? देखिए एक बात मैं बताऊँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं स्वयं के बारे में पहले विचार करता हूँ जी जी, वैसे हम पार्टी की दृष्टि से सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है जी, फिर पार्टी की बात जी, फिर मेरा व्यक्तिगत, लेकिन एज इंडिविजुअल मैं जब कोशिश करता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करें जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पर कोई दाग गया है। देखिए हम पर यदि दाग लगता है तो आज एक विधायक के रूप में दाग लगेगा तो लोग मुझे कहेगा देखिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक है।
मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति रहूं जिसको किसी पार्टी से लेना देना नहीं हो, तो भाई आजकल तो लोग बदनाम में भी नाम देखते हैं ना, तो मैंने कोशिश किया है कि भाई कोई ये ना कहे कि सीपी सिंह ने इतने दिन विधायक रहने के बाद, देखिए होता है कि जो पावर में होता है लोग जी जी जी, तो कई तरह की चीज़ें आती है, लेकिन मैं तो आपके समृद्ध भारत समृद्ध झारखंड के चैनल पर हूँ, तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ एक आदमी ढूंढ के ले आइए जो कहे कि सीपी सिंह ने मेरा जमीन हड़प लिया, हड़प लिया या किस करप्शन का छोटा सा चार्ज, सीपी सिंह ने हमसे घूस ले लिया, सीपी सिंह ने मंत्री था तो फाइल करने में पैसा लेता था, या आज के दिन भी सीपी सिंह के पास कोई भी आता है, कोई बोल दे कि सीपी सिंह के पास मैं गया, उन्होंने हमसे कहा कि भैया पैसा लगेगा, या मिला से, या सीपी सिंह का पीए कहा हो, पीएस कहा हो, हूं मैं भी जो भी हो, सीपी सिंह के इर्द गिर्द रहने वाला कोई भी कार्यकर्ता यदि कहे तो भैया उस दिन राजनीति से संन्यास लेना पसंद करें। लास्ट सवाल सर, अंतिम सवाल, क्या हम मान के चलें कि रांची के अखाड़े में इस बार फिर से कूदने जा रहे हैं और हम लोग की सेवा इसी प्रकार मिलती रहेगी? अभी देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के हर आदेश का अक्षर स्तर पालन करना मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। पार्टी मुझे लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, पार्टी कहेगी खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाएंगे, पार्टी कहेगी बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, भैया ये तो पार्टी तय करती है ना। तो मैं तो भैया पार्टी का कार्यकर्ता था हूँ और रहूँगा, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई मरना तो सबको एक दिन है जी, वो तो निश्चित, तो मैं मरूँ भी तो भारतीय जनता पार्टी में ही मरूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, झारखंड समृद्ध झारखंड परिवार की ओर से आपके दीर्घ जीवन की शुभकामनाएं। आपके भी सभी दर्शकों को हमारी ओर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।